Assalamualaikum dear student. I am your teacher Tabassum Riaz Khan. Welcomes you to the Brihan Mumbai Mahanagar Palika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात चहरुम माहौल का मुताला एक सबक नंबर 19 मेरा मसर्रत बख्श स्कूल माई डिलाइटफुल स्कूल और मैं हूँ आपकी बीटीसी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। जी हाँ बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें नजर आ रही होगी। ये मुख्तलिफ कारगर्दगी की तस्वीरें हैं जिसमें बच्चे स्कूल में मुख्तलिफ काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर यहाँ पर चार्ट की मदद से सिखा रहे हैं, कुछ बच्चे साइंस में तजुर्बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग्स, आर्ट्स, क्राफ्ट कर रहे हैं और कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से आपको सबसे ज़्यादा तस्वीरें कौन सी पसंद आई और क्यों पसंद आई? जी हाँ बच्चों, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और हमें मुख्तलिफ काम करवाए जाते हैं तो स्कूल में हमें पढ़ने का एक अलग ही मज़ा आता है। हम स्कूल में तालीम हासिल करने में लुत्फ महसूस करते हैं, है ना? स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, हमें स्कूल के असातिज़ा टीचर्स बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, तमाम मज़ामीन की पढ़ाई हमारी होती है और हम बहुत मेहनत से तालीम हासिल करते हैं। स्कूल में क्या सिर्फ हम तालीम हासिल करने आते हैं? नहीं, तालीम के साथ साथ हम स्कूल में मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। हमारे स्कूल में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले का इनेकाद होता है, मुख्तलिफ मुकाबले कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे जिस्मानी तालीम यानी पीटी के पीरियड्स में हमें मुख्तलिफ खेल वर्जिशें एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। तो इससे भी हमें स्कूल में तालीम हासिल करने का लुत्फ आता है, हमारा स्कूल मसर्रत बख्श बन जाता है ना? इसके अलावा प्यारे बच्चों, हम स्कूल में एक साथ टिफिन खाते हैं, हम एक दूसरे की मदद से स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। हम स्कूल के सकाफती प्रोग्राम जो कल्चर्स प्रोग्राम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं, अपनी काबिलियत का इजहार करते हैं, है ना? हमें जो भी छुपी हुई सलाहियतें हम उन्हें जाहिर करते हैं। तो बच्चों, जब हम स्कूल में इतने सारे काम करते हैं तो अपने स्कूल को, अपनी क्लास को, अपनी जमात को साफ सुथरा रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह हमारी स्कूल हमारी पढ़ाई में, हमारे खेल में, हमारी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने में हमारी मदद करती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम स्कूल की सफाई का, अपनी क्लास की सफाई का ध्यान रखें। तो बच्चों, क्या आप हमें बताएंगे कि अगर जमात के हर बच्चे को पढ़ाई में लुत्फ मज़ा आना चाहिए तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो चलिए, एक स्कूल में एक उस्ताद ने कुछ बच्चों के लिए करके बताया है, आज हम आपको वो बताते हैं। जी हाँ बच्चों, ये है किस्सा जिला रत्नागिरी के कोलवली गांव का। यहाँ पे उस्ताद ने क्या किया, उस्ताद को सबक में समझाना था डाक खाने का निज़ाम, यानी पोस्ट ऑफिस में किस तरह खत आते हैं, किस तरह भेजे जाते हैं, मनी ऑर्डर्स, तार वगैरह के बारे में। तो उस्ताद ने क्या किया, बच्चों को उस गांव के पोस्ट ऑफिस की सैर करवाई। बच्चे खुशी खुशी सैर करने के लिए गए और उस्ताद ने क्या किया, बच्चों के नाम एक एक खत भेजा। बच्चे अपना नाम का खत देखकर बहुत खुश हुए और सभी बच्चे कहने लगे, आहा मेरे नाम भी खत आया। बच्चे खत खुशी से एक दूसरे को बताने लगे, पढ़ने लगे, बहुत खुश हुए और बच्चों ने कुछ उस्ताद के खत का जवाब भी दिया। इस तरह क्या हुआ, उस्ताद की एक छोटी सी कोशिश से बच्चों में नया जोश पैदा हो गया और वो स्कूल मसर्रत बख्श बन गया, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज भी करवाई जाने लगी, है ना? तो स्कूल के मसर्रत बख्श बनने के लिए जरूरी है कि स्कूल में बच्चों को तालीम के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज भी करवाई जाए।
स्कूल में तीन पैरों की दौड़ का मुकाबला हुआ, जिसमें आप देखोगे कुछ बच्चे लड़खड़ा कर गिर गए तो कुछ बच्चे बिल्कुल सही से आखिरी मकाम तक जीत के निशान तक पहुंच गए। तो ऐसा क्यों हुआ? जब हम एक दूसरे की मदद से कोई भी काम करते हैं तो उस काम को आसानी से करने में भी मदद होती है और उस काम को करने में मजा भी आता है ना। एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी काम कामयाबी से किया जा सकता है, काम करने में लुत्फ भी आता है। साथ ही साथ जब हम एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे की जरूरत और मसाइल को समझना भी जरूरी है ना। जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किसी काम को करते हैं तो हमें काम में मदद मिलती है एक दूसरे की, हमें मदद करने का जज्बा पैदा होता है, हमें उस काम को हम कामयाबी से अंजाम देते हैं, काम को करने में हमें लुत्फ भी आता है और हम एक दूसरे के मसाइल और ज़रूरतें भी समझते हैं। अगर किसी हमारे साथी को किसी चीज़ में परेशानी हो तो हम उसकी परेशानी को समझकर उसे हल भी कर सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ काम करने के फायदे बहुत है ना। और ये भी है कि एक दूसरे के काम जब हम एक साथ करते हैं एक दूसरे की मदद से, तो हमें एक दूसरे के मसाइल को और जरूरतों को समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, स्कूल को मसर्रत बख्श बनाने के लिए जिस तरह हमने आपको बताया स्कूल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज की जाती है, बच्चों को अलग अलग नए तरीकों से तालीम दी जाती है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम अपनी स्कूल में गंदगी न करें, अपनी स्कूल को खुद साफ करें, साफ करने में स्कूल वालों की मदद करें, अपनी क्लासेस के बाहर कॉरिडोर्स को साफ रखें, उधर कचरा ना डालें और साथ ही साथ अपनी जमात की भी हम सफाई करते रहे, उसे भी साफ सुथरा रखें। तो अगर हमारी जमात हमारी क्लास साफ सुथरी होगी तो हमारा तालीम हासिल करने में लुत्फ और बढ़ जाएगा और वो स्कूल एक मसर्रत बख्श स्कूल बन जाएगा जहाँ पर खुशी के माहौल में बच्चे खुश खुश होकर तालीम हासिल करेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। जी हाँ बच्चों, आप अक्सर देखते होंगे कि हमारी स्कूल में हमारी क्लास में सब बच्चे एक तरह के नहीं होते, कुछ बच्चे मखसूस ज़रूरतें रखने वाले होते हैं, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, या तो किसी को आंखों से नज़र नहीं आता, कोई बोल नहीं सकता, तो ऐसे बच्चों को मखसूस ज़रूरतें रखने वाले बच्चे कहा जाता है। हर स्कूल में आपने देखा होगा क्लास में वालिदैन भी अपने मखसूस ज़रूरतें रखने वाले बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, तो क्योंकि इनको भी तालीम हासिल करने का पूरा पूरा हक है। बच्चों को अपने वालिदैन जो है उनके सख्त पाबंदी से स्कूल भेजते हैं। तो आजकल बेटा हुकूमत ने भी ऐसे बच्चों के लिए कई मंसूबे बनाए हैं ताकि ये बच्चे भी दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह मुकम्मल तालीम हासिल कर सके। अब अगर ऐसे बच्चे आपकी क्लास में हैं तो आप उनके तालीम हासिल करने में कैसे मदद करोगे? बच्चों, आप उन बच्चों को अकेला महसूस नहीं करने दोगे, आप मुख्तलिफ क्लासरूम की एक्टिविटीज में उन बच्चों के साथ काम करोगे, उन बच्चों के साथ मिलकर आप पढ़ाई करोगे, उनकी मदद करोगे पढ़ाई करने में, उन बच्चों की आप हर जगह मदद के लिए तैयार रहोगे, एक उनको तहफ्फुज का माहौल दोगे। तो ऐसे मखसूस ज़रूरतें रखने वाले बच्चे भी आपके साथ मिलके खुशी खुशी मसर्रत के साथ तालीम हासिल करेंगे। और जब स्कूल में मखसूस ज़रूरतें रखने वाले बच्चों का भी मुकम्मल ध्यान दिया जाएगा तो अपने आप ये स्कूल एक मसर्रत बख्श स्कूल बन जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों, आप भी अगर अपनी जमात में ऐसे कुछ तालिबे इल्म हो तो उनकी मदद करोगे और उनकी जो है हिम्मत अफजाई करोगे और अच्छे काम करने पे हौसला अफजाई करोगे। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, लड़कियों की तालीम,
लड़कियों के तालीम के लिए हुकूमत ने कई सहूलतें मुहैया की है। वालिदैन चाहते हैं कि उनके लड़के और लड़कियां दोनों तालीम हासिल करें, लेकिन कुछ घरों में मुख्तलिफ कामों की वजह से, जैसे लड़कियों को घर के काम करने हैं, छोटे भाई बहनों को संभालना है, पानी भरना है, तो इन कामों की वजह से लड़कियां जो है तालीम हासिल करने से महरूम हो जाती है, उनके तालीम का सिलसिला कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो उन लड़कियों की तालीम का सिलसिले में कोई रुकावट ना हो, इसीलिए हुकूमत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसी कई स्कीमें शुरू की है, जिसके जरिए लड़कियों की तालीम को जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सहूलतें मुहैया की गई है और आज लड़कों के साथ लड़कियां भी शाना बशाना खड़े रहकर तालीम हासिल कर रही है और तरक्की की राह पर आगे जा रही है। तो जिस तरह लड़कों को, उसी तरह लड़कियों को भी तालीम हासिल करने का मुकम्मल हक है। तो लड़कियों को भी इससे तालीम की मसर्रत हासिल होती है ना? आइए ये करके देखें। बच्चों, आप अपनी क्लास में आपने एक बात की नोट डाउन किया होगा कि भले ही हमारी स्कूल में तालीम एक ही जबान में दी जाती है, जैसे उर्दू स्कूल में तालीम उर्दू जबान में दी जाती है, इसके अलावा अंग्रेजी मराठी जैसे मजामीन भी सिखाए जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में तमाम तालीम इंग्लिश जबान में दी जाती है, मराठी मीडियम में मराठी जबान में दी जाती है, तालीम एक ही जबान में दी जाती है, लेकिन फिर भी स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो तमाम बच्चे अलग अलग घरों के अलग अलग मजहब के आते हैं, तो उनकी मादरी जबान जो वही होती है जो वो घर में इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो बच्चे एक साथ स्कूल में क्लास में आते हैं तो कुछ बच्चे जो है वो क्लास के गुजराती बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ तेलुगु बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, लेकिन क्लास में तो एक ही जबान में तालीम दी जाती है। तो जब आप एन तरह के अलग अलग जबाने बोलने वाले बच्चों के साथ मिलते हो तो आपको वो अपनी दोस्त सहेलियां मिल जाती हैं और आप उनकी मदद से उनकी जबाने भी सीखना शुरू कर देते हो, है ना? हमें अपने आप उनकी जबाने भी बोलने लिखने आना शुरू हो जाती है। तो यानी क्या कि हम स्कूल में मुख्तलिफ जबाने भी आसानी से सीख लेते हैं। इस तरह से हमें अपनी क्लास में दिगर बच्चों की जबान बोलने और लिखने से भी हमें वाकफियत हो जाती है ना? बच्चों देखिए, हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं, क्यों? ताकि किसी में कोई फर्क ना हो, कोई अमीर कोई गरीब ना हो, है ना? स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे से, बालों में कंघी बनाकर, बिल्कुल सफाई के साथ स्कूल में आते हैं। लेकिन अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम हो और हम एक कलरफुल कपड़े पहनकर आने के लिए कहाँ जाएं, तो हमारी खुशी का तो, बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं। तो इस तरह स्कूल में अगर तालीम के साथ साथ बच्चों को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व किया जाए, बच्चों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाए, तो वो स्कूल खुद ब खुद एक मसर्रत बख्श स्कूल बन जाता है। क्योंकि बच्चों स्कूल में हर तरह के बच्चे आते हैं, हर एक मजहब के बच्चे आते हैं, तो जब बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं तो उन बच्चों को न सिर्फ उनकी जो है रहने सहने का, उनकी जबान का, उनके खाने पीने का, तमाम बातों की मालूमात होती है। तो बच्चों के दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत व एहतराम, एक दूसरे के मजहब के लिए इज्जत व एहतराम पता चलता है, उन्हें उस बात का एहसास होता है और साथ ही उन्हें अपने मुल्क में जो तनव्वु है, जो अलग अलग मजहब के रहन सहन, खाने पीने में, जबाने बोलने में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, उसका भी पता चलता है। तो इस बात से भी जब बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं और एक साथ मिलजुल के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, खेल कूद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो स्कूल में बच्चों को पढ़ने का बहुत लुत्फ आता है और वो स्कूल मसर्रत पक्ष बन जाता है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या करेंगे भला? बबलू और पिंकी को नर्सरी में दाखला मिला,
लेकिन उनको स्कूल ले जाने के लिए बस आती है, लेकिन वो स्कूल जाना नहीं चाहते, इसलिए वो रोज रोते हैं। आप उनको किस तरह समझाएंगे कि स्कूल क्यों जाना चाहिए? क्या अम्मी उन्हें डांट कर और मार कर स्कूल भेजेंगे? नहीं, हम उनको स्कूल में जाने के लिए समझाने के लिए क्या करेंगे? बच्चों को बताएंगे कि स्कूल में न सिर्फ हमें पढ़ाया जाता है बल्कि हमें मुख्तलिफ खेल करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले किए जाते हैं। इसके अलावा स्कूल में हमें खेल खेल में पढ़ाया जाता है, ड्राइंग, क्राफ्ट और ऐसे कई सारी एक्टिविटीज हमें करवाई जाती है। तो जब आप बबलू और पिंकी को इस तरह से स्कूल के मुताबिक मजबूत अंदाज में पॉजिटिवली समझाओगे कि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि बहुत से काम होते हैं, तब बबलू और पिंकी खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस सबक के जरिए हमने क्या सीखा। हमने क्या सीखा बच्चों? सबसे पहले स्कूल की वजह से हमको मुख्तलिफ दोस्त और सहेलियां मिलती है, हमारा जो फ्रेंडशिप का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, मुख्तलिफ दोस्त सहेलियां हमें मिलती है। स्कूल की वजह से हमें हमारे मुल्क के तनव्वु की पहचान होती है, जमात में कई तरह के बच्चे होते हैं, कई अलग अलग मुल्क के बच्चे भी होते हैं, कई अलग अलग मजहब के बच्चे होते हैं, तो उनके जरिए उनके रहने सहने खाने पीने की हमें जो है डिफरेंस है, जो फ़र्क है वो पता चलता है, और मुल्क में हमारे कितने मजहब और कैसे हैं उनकी भी पहचान होती है। हर लड़के और लड़की को स्कूल में तालीम हासिल करने का लुत्फ मिलना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि लड़कियों की तालीम के लिए भी हुकूमत ने कई स्कीमें शुरू की है ताकि लड़कियां भी तालीम से महरूम ना रह सके और उनकी भी तालीम में रुकावट ना हो, क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों को स्कूल में तालीम हासिल करने का मसर्रत हासिल होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या सीखा? जिस तरह हर लड़के लड़की को तालीम हासिल करने का हक होना चाहिए, उसी तरह मखसूस ज़रूरतें रखने वाले बच्चों को भी तालीम हासिल करने का हक है। और अगर आपकी क्लास में जमात में ऐसे बच्चे हैं तो आप उनकी तालीम हासिल करने में बराबर मदद करोगी। एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे से मदद लेना सीखने से तालीम में लुत्फ आता है। हम जब स्कूल में एक साथ क्लास में पढ़ते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद से सीखना है, एक दूसरे की मदद करने से हमें मदद करने का जज्बा पैदा होता है, हमें कामयाबी मिलती है, और ना सिर्फ कामयाबी मिलती है बल्कि हमें तालीम हासिल करने में लुत्फ भी आता है। और अगर ये तमाम खासियतें स्कूल में तमाम बच्चे अपनाएंगे तो वो स्कूल एक मसर्रत बख्श स्कूल बन जाता है। तो मसर्रत बख्श स्कूल बनने के लिए जिस तरह आपके असातिज़ खूब मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, उसी तरह आपको भी उनका साथ देना है और इन बातों पर अमल करना है। उम्मीद है बच्चों आपको आज का सबक बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मालूमात तमाम हासिल हो गई होगी। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे नए सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बच्चों आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।